स्वागत है आपका अलकाज किचन में। तो आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ आटे के बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी गेहूँ के का आटा, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कटोरी मैदा। आप चाहें तो पूरा गेहूँ का आटा भी रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनकर उससे भी तैयार होंगे। तो मैंने गेहूं का आटा और मैदे को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, और अब इसमें मैं चीनी डालूंगी घोलकर। तो उसके लिए मैंने रख दिया है, एक बर्तन लिया है, धीमी आंच पर गैस पर इसे रख देना है, और इसमें डाल दी है मैंने 5 से 6 चम्मच चीनी। आप जितना मीठा खाना पसंद करें उतनी चीनी आप डाल दीजिए। पानी मैंने लिया है 1/2 कटोरी पानी होगा ये पानी, हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, उतना रखिएगा जिसमें कि चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए। और इसको हम मैंने रख दिया है धीमी आंच पर, जब तक ये चीनी घुल रही है तब तक मैं इधर आटे में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच देसी घी मोयन के लिए। आप इसकी जगह पर कोई भी रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को हमें बारीक काट कर ही डालना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी। तो यहाँ हमारा चीनी का घोल तैयार हो चुका है, इसे बहुत ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गुनगुना ही रखना है। इसके साथ ही मैं इस आटे में मैंने घी अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 बेकिंग पाउडर और उससे भी 1/2 बेकिंग सोडा। इन दोनों चीज़ों को हमें आटे में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। बेकिंग पाउडर और सोडा डालने से ये काफ़ी सख्त नहीं बनेंगे, अच्छे से अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब यहाँ पर मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर आप इसमें किशमिश मत डालिएगा, क्योंकि किशमिश बाहर निकल जाएगी जब आप इसे फ्राई करेंगे और वो जल जाएगी, जलने से उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब आता है। अब इसमें मैंने डाल रही हूँ 1/2 चम्मच ये मीठी वाली सौंफ है, 1/2 चम्मच मीठी सौंफ, 1/2 चम्मच हरी इलायची का पाउडर और 2 चम्मच डेसिकेटेड नारियल का बुरादा। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। और अब जो पानी मैंने रखा था वो गुनगुना है अभी चाशनी हमारी, तो उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही डालना है, इकट्ठा आप नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर आप इसका एक सॉफ्ट डो बनाइएगा। तो यहाँ मैं इसका एक डो लगा रही हूँ। तो इसमें हमें आपस में बस आटे को मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मलना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप डाल दीजिए। अगर पानी आपको लगे कि कम है तो आप गुनगुना सादा पानी भी ले सकते हैं, और उससे आप फिर अपना डो तैयार कीजिएगा। ठंडा पानी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ मैं इसका डो बनाकर तैयार कर लिया है मैंने, और इसको मैं रख दूँगी 5 मिनट के लिए रेस्ट पर, अच्छे से ढककर 5 मिनट के बाद मैं इसमें इसका डो मैंने एक बार मसल लिया है, और इसकी बना देनी है हमें लोई, काट लेनी है। और अब इसे आपको बेल लेना है रोटी की तरह। तो अब इसे हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, मोटा रखना है, जैसे कि हम मोटी रोटी नहीं बनाते हैं उस तरीके से इसे मोटा रखना है। और अब आप जैसे शेप चाहें, बड़ा साइज, छोटा साइज, उस तरीके से आप इसे किसी नाइफ की हेल्प से काट लीजिए। तो मैं इसके छोटे छोटे चौकोर क्यूब्स में कट कर रही हूँ। तो ये जो किनारे का आटा है उसे मैं निकाल रही हूँ, वो थोड़ा शेप में अच्छा नहीं लगेगा इस वजह से, और उसको मैं उसी आटे में रख रही हूँ, इसको मैं रीयूज कर लूँगी। और इस तरीके से मैंने इसे, ये हमारे क्यूब्स में कट जाएंगे, और उधर तेल भी
मैं फ्राई कर रही थी, तो तेल भी हमारा गर्म है और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो इसे हमें बहुत ही धीमी आंच पर पकाना है, तेल हमारा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। और धीमी आंच पर आप इनको डाल दीजिए कढ़ाई में, और धीमी धीमी आंच पर जितना आप धीमी आंच में इसे पकाएंगे उतने ही करारे ये बनकर तैयार होंगे और बहुत ही अच्छा इनका कलर भी आएगा। तेज आंच पर पकाने से ये अंदर से मोटे हैं थोड़े, तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से एकदम से पककर तैयार हो जाएंगे। तो आप थोड़ा टाइम जाएगा इसमें पकाने में, लेकिन आप इसको धीमी आंच पर ही पकाइएगा। तो ऐसे ही मैंने जो आटा और बचा हुआ था उसके सारे इस तरीके से छोटे छोटे सारे बिस्किट मैंने बनाकर इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इनका कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुए हैं। तो घर पर हम बहुत ही आसानी से गेहूं के आटे के बिस्किट तैयार कर सकते हैं, जो खाने में तो टेस्टी हैं ही, साथ ही ये मैदे के नहीं हैं, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो चीज़ें हमें पसंद हैं उस हिसाब से हम इसमें डाल सकते हैं और उतना मीठा रख सकते हैं। तो आप बनाए